गोरखपुर क्लब में आयोजित 7वें नेशनल ब्लाइंड एंड डेफ जूडो चैंपियनशिप प्रतियोगिता का सोमवार को समापन हो गया। समापन अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि महापौर सीताराम जायसवाल, विशिष्ट अतिथि जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेयन, सिटी मजिस्ट्रेट अजीत कुमार सिंह, इंडियन ब्लाइंड एंड पैरा जूडो एसोसिएशन के महासचिव मुनव्वर अंजार, डेफ जूडो एसोसिएशन ऑफ इंडिया की महासचिव आयशा मुनव्वर, भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष तथा यूपी ब्लाइंड एंड पैरा जूडो एसोसिएशन के सचिव सुधीर हलवासिया और इंडियन ब्लाइंड एंड पैरा जूडो एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष अनूप गुरनानी के अलावा सहित अन्य पदाधिकारी और एसोसिएशन से जुड़े मेंबर मौजूद रहे। प्रतियोगिता में मुख्य अतिथि महापौर सीताराम जायसवाल व विशिष्ट अतिथि जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडे ने विजयी खिलाड़ियों के उज्ज्वल भविष्य की कामना की। कार्यक्रम का संचालन आयशा मुनव्वर फाउंडर सचिव ने किया। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडे ने कहा, इससे पहले कि हम मंच पे चले, आसीन हमारे जितने भी हमारे काम कर रहे थे, आज बड़ा अफसोस हमें है कि हम गोरखपुर इस प्रोग्राम को समापन समारोह करने के बाद सबको जाना होगा, लेकिन इतना प्यार, इतना लगाव हमारे इतने वक्त में 4-5 दिनों में गोरखपुर से हो गया कि जिसको हम लोग कैसे बताएं समझ में नहीं आता। खासतौर से हमारी जो प्रेस और मीडिया के लोग हैं, उन्होंने हमारे इतना सहयोग किया है कि हमें गोरखपुर में, क्योंकि कभी हमने जूडो को यहाँ पर 10 साल पहले एक नॉर्मल जूडो में हम कॉम्पिटिशन था, जब मैं जनरल सेक्रेटरी यूपी जूडो एसोसिएशन का, तो स्टेडियम में तब आए थे हम, लेकिन अब 10 साल के बाद इतना सहयोग यहाँ मीडिया से मिला है, उसके लिए मीडिया का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं बहुत आभारी हूँ श्री पीयूष साहब का, जो कि सेक्रेटरी हैं यहाँ के गोरखपुर क्लब के, इत्तेफाक से यहाँ नहीं है, साथ ही अतुल श्रीवास्तव जी जिनका ये टेंट और इंतजाम है, सब कुल मिला के सभी के सहयोग से यहाँ पर इस प्रतियोगिता का आज हम लोग समापन करने जा रहे हैं। पुनः मैं धन्यवाद देता हूँ अपनी तरफ से कि स्वागत करते हुए कि मेयर साहब का, डिप्टी मेयर साहब का और हमारे सिटी मजिस्ट्रेट साहब का और सब अन्य जितने भी अधिकारीगण यहाँ मौजूद हैं और जितने लोग यहाँ पर आसीन हैं कि बहुत बहुत आपका धन्यवाद कि आप यहाँ आए। प्रदेश सरकार और भारत सरकार हमेशा कार्यक्रम करती रहती है। हमारे मोदी जी की दूरदृष्टि है कि हम उन पिछड़ों तक वो संसाधन मुहैया कराएं जिससे विकास की रोशनी
कमजोर वर्गों के साथ, विकलांग बच्चों के साथ उनके घरों तक पहुंचे। इसी कार्यक्रम के तहत सुधीर जी ने कार्यक्रम गोरखपुर में कराया है। इस तरह का ये ब्लाइंड एंड जूडो ये पहला कार्यक्रम है गोरखपुर में जो दोनों का संगम है। गोरखपुर क्लब के अध्यक्ष ने भी इन्हें आप बहुत बड़ा सहयोग किया है। मैं उन्हें भी सफल आयोजन की व्यवस्था देने के लिए बधाई देता हूँ। भाइयों, शिक्षा समाज को रोशनी देता है। शिक्षा के बिना जीवन अधूरा है और शिक्षा और खेल ये दोनों मिलकर पर्सनालिटी डेवलपमेंट में बहुत ही अच्छा मानक स्थापित करते हैं। पढ़ाई के साथ साथ खेल का भी महत्व उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार दोनों दे रही है। एक अभियान चला है खेलो इंडिया, जो भारत का मिशन है। इसी के तहत सारे इन असहाय बच्चों को इस जगह पर पहुंचाया गया है जो दूर दराज से हमारे बीच में आए हैं। इन बच्चों के भविष्य के लिए एक प्रेरणा देने वाला एक कार्यक्रम है और इस एसोसिएशन से जुड़े हुए सुधीर हलवासिया जी को विशेषकर बधाई देता हूं कि उन्होंने गोरखपुर को यह स्थान ये कार्यक्रम के लिए चुना है। Thank you. Yay! Yes.
उत्तर प्रदेश पैरो जूडो चैंपियनशिप है, उसी के अंदर नेत्रहीन और श्रवण बाधित बच्चे के लिए चैंपियनशिप हुआ था। 3 दिन से ये लगातार हुआ है, आज उसका समापन है। इस पे कोने कोने से देश से आए हुए बच्चे पार्टिसिपेट किए हैं, करीब तो 800 बच्चे पार्टिसिपेट किए हैं। उसी पे दो ओवरऑल चैंपियनशिप उत्तर प्रदेश को मिला है, बाकी अन्य राज्य भी बहुत अच्छा पार्टिसिपेट किए, उन्हीं लोगों को पुरस्कार मिला है। बहुत लोगों का जो गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रांज मेडल तमाम कैटेगरी में मिला। 10 साल से लेके 21 साल का बच्चे सब लोग पार्टिसिपेट किए, एक अच्छा कार्यक्रम हुआ है।